अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCBS ऑनलाइन क्लासेस। होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू आर चैप्टर नंबर 3, व्हाई वी नीड पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने जो है पार्लियामेंट के फंक्शंस जो है वहाँ से हमने पढ़ना है कि पार्लियामेंट जो है वो एक बार इलेक्ट हो गई है, लेकिन अब पार्लियामेंट जो होता है उसके कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सो द फर्स्ट फंक्शन इज़ टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट जो है उसको सिलेक्ट करना जो है वो पार्लियामेंट का फंक्शन है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि पार्लियामेंट जो होती है इंडिया की वो किससे मिलकर बनती है, प्रेजिडेंट से, और दो हाउसेज होते हैं उसके, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, पार्लियामेंट बनती है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी MPs बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। जब इलेक्शन हो जाते हैं लोकसभा इलेक्शन, तो उसके बाद लिस्ट जो है प्रिपेयर की जाती है कि कितने MPs जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, कौन कौन से MPs, ठीक है। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड MPs। जो इलेक्टेड MPs होते हैं उनमें क्या होनी चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए। जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, जो 545 जो थे ना उनमें लोकसभा में, तो उनमें से 543 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। तो टोटल हो गए 545। टू हैव अ मेजॉरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर, यानी कि आधे से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो मेंबर्स जो होते हैं, जैसे कि 272 मेंबर्स जो होते हैं या उससे ज़्यादा जो है उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी क्या होता है उनकी लोग वो गवर्नमेंट बनाते हैं। द ओपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी, कॉलिजन फॉर्म। द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज इज कॉल्ड द ओपोजिशन पार्टी, और ये जो लार्जेस्ट जो होती है इन सब पार्टीज़ में से वो क्या कहलाती है, ओपोजिशन पार्टी कहलाती है। और ये जो ओपोजिशन होता है वो जो होता है पॉलिटिकल पार्टी से ही बनता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, और ये जो लोकसभा होता है उसका, लोकसभा का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करना। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर वन में हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा था, इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में जो लॉज बनाए उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये उन लोगों का ग्रुप होता है एग्जीक्यूटिव। दिस एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन वॉट वी हैव इन माइंड वैन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट, और ये एग्जीक्यूटिव जो होता है ये हम अगर सोचें तो क्या है, व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट, जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें ये दिमाग में आ जाता है वर्ड एग्जीक्यूटिव, मतलब किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है, ये जो लोकसभा की ये जो रूलिंग पार्टी है उसका क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो लीडर होता है, फ्रॉम द MPs हु बिलोंग टू हर पार्टी, और ये द मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर्स टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन, और ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी ये MPs जो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं उनमें सेलेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स को, ताकि वो अपने साथ काम करने के लिए, डिसीजन इंप्लीमेंट के लिए उनको अपने साथ रख सके, काम करवा सके। दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा, और फिर ये जो मिनिस्टर्स होते हैं फिर वो क्या करते हैं, अलग अलग एरियाज़ के चार्ज मतलब अपने हाथ में ले लेते हैं, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उनके सब के क्या होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स को चूज़ कर लिया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑफन टाइम इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजॉरिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब ये जो है एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके लिए क्या होता था, पहले मुश्किल होता था मेजॉरिटी करना गवर्नमेंट बनाने के लिए, देन जॉइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल, तो वो फिर पॉलिटिकल पार्टी है वो अकेले क्या करती थी, जो दूसरी पार्टीज़ होती थी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी ना, उनके साथ क्या हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है, हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म वॉट इज़ नोन एज अ कॉलिशन गवर्नमेंट। तो ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, अगर उनके मेंबर्स मतलब कम लोग होते हैं, कम मेजॉरिटी होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, ऐसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मिल जाते हैं जो जो कि उनका भी सेम वही डिसीजन हो जो
अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है, तो सेम अगर डिसीजन लेना हो तो ये सारे मेंबर्स आपस में मिल जाते हैं ताकि उनको क्या हो, सेम डिसीजन ले सके और वो जो गवर्नमेंट जो उनके जो वो चाहते हैं वो गवर्नमेंट वो बना सके। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है वो आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है अपने मेंबर्स को बढ़ाने के लिए। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव्स। राज्यसभा जो है वो प्राइमरली वर्क करती है एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। ये जो हमारी जो इंडिया की स्टेट जो है उसके लिए द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। और ये जो राज्यसभा होती है वो क्या करती है, बिल जो है वो पास करवाती है लॉ बनाने के लिए। इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग इट अल्टरनेशंस आर नीडेड द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटर असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट। जो अलग अलग स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो क्या करती है, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करती है। और इसमें टोटल जो मेंबर होते हैं वो 245 होते हैं, ये मैंने आपको बताया, जिसमें से 233 जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्शन के थ्रू होते हैं चूज़, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में, ठीक है। तो टोटल जो होता है 233 और 12 जो होता है 245 टोटल राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। ये तो हुआ नेशनल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना, पार्लियामेंट का काम है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है उसको चूज़ करना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। कंट्रोल करना, गाइड करना और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना। द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन बिगिन विद क्वेश्चन आर। ये जो पार्लियामेंट होती है इसका जो सेशन होता है ये किससे होता है, क्वेश्चन आर से स्टार्ट होता है। द क्वेश्चन आर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन इलिसिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो MPs होते हैं ये जो क्वेश्चनिंग पार्ट होता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है। और जो MPs होते हैं जो चोजन होते हैं ये सारे MPs जो कि गवर्नमेंट बनाते हैं ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है उसकी ये इन्फॉर्मेशन जो है उसके मांगते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है पार्लियामेंट का कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनके कंट्रोल करने का। By asking questions, the government is alerted to its shortcomings and also come to know the opinion of the people through their representatives in the parliament, the MPs. मतलब ये जो MPs होते हैं ना, ministers of parliament, ये जो questioning part होता है तो इसमें क्या होता है, सबको अपना opinion रखने का मौका मिलता है। तो सारे जो लोग होते हैं, जो MPs होते हैं parliament के, जो भी representatives होते हैं वो सब क्या रखते हैं, अपने opinions रखते हैं। Asking question of the government is a crucial task for every MP. और government से क्वेश्चन आस्क करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है MPs के लिए। द ओपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। और जो ओपोजिशन पार्टीज होती है वो बहुत क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले करती है इस डेमोक्रेसी के फंक्शन में। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। और ये जो ओपोजिशन पार्टी होती है ना, फिर वो क्या करती है कि जैसे अब उनके गवर्नमेंट नहीं बनी है, ठीक है, उनकी पार्टीज की गवर्नमेंट नहीं बनी है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो हाईलाइट करते जो भी ड्रॉबैक्स है, ये जो गवर्नमेंट के जो ड्रॉबैक्स हो जाते हैं कि कभी अगर वो काम करने में अनसक्सेसफुल हो जाती है अगर गवर्नमेंट, तो उसको वो फिर क्या करते हैं, ड्रॉबैक्स जो होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं, उनकी पॉलिसीज जो होती हैं, उनके अलग अलग प्रोग्राम्स जो होते हैं जो उन्होंने अगर स्टार्ट किए गवर्नमेंट ने, तो उनको फिर वो हाईलाइटेड करते हैं। और साथ में वो क्या करते हैं, खुद की पॉलिसीज जो होती है उनको वो वहाँ पर सपोर्ट करने, मतलब वो बताते हैं कि देखो आपने ये किया है तो ये चीज़ तो हुई नहीं, ये पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हुई, हम तो ये पॉलिसीज रखने वाले थे, ये हमारी तरफ से, मतलब वो बताते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क होता है। The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the question asked by MPs. और ये गवर्नमेंट जो होती है उसको वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो देना पड़ता है और क्वेश्चन के आंसर्स देने पड़ते हैं उन MPs को। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस एंड पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वे इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। और ये जो पार्लियामेंट इसी तरीके से क्या करती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, उसको गाइड करती है, ठीक है, और उनको इन्फॉर्म करती है। द MPs आर एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट एंड दिस इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और ये जो MPs होते हैं, जो MPs होते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा सेंट्रल रोल जो है वो प्ले करते हैं
गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में, उसको गाइड करने में और इन्फॉर्म करने में। तो इस तरीके से ये फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन आंसरिंग पार्ट जो है वो यहाँ पर हमें बताया है, द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल, एग्जांपल बताया है कि किस तरीके से पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे लोकसभा का है तो उन्होंने अनस्टेयर्ड। द नेक्स्ट जो है वो है थर्ड फंक्शन इज़ लॉ मेकिंग, कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फंक्शन जो है पार्लियामेंट का होता है। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। और ये जो लॉ मेकिंग है इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है जब हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इतना ही बताया है कि पार्लियामेंट का ये भी काम होता है कि वो लॉ बनाती है। Who are the people in Parliament? अब Parliament में कौन लोग होते हैं? Parliament now has more and more people from different backgrounds. अलग अलग background के लोग होते हैं, जैसे कि there are more rural members, कुछ rural members होते हैं, and also members from many religions, regional parties, कुछ religion parties के members होते हैं। Groups and peoples that were till now unrepresented are beginning to get elected to Parliament. There has also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes. और कुछ जो होते हैं वो इनमें participation कौन लेता है, दलित और backward classes के लोग जो होते हैं वो भी जो है इनमें participation कहते हैं, political participation होता है। Let us look at the following table. हम यहाँ पर हमें एक table दे रखी है जिसमें percentage दे रखा है population का जो कि लोकसभा के election जो है उसमें vote करती है। तो अलग अलग देखा है table दी हुई है हमें, अलग अलग election की year है और लोकसभा में कितने जो है वोटर जो है उनके हमें परसेंट जो है बताया हुआ है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। देयर इज़ अ रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट अस, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट कम्युनिटीज दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मैग्नलाइज्ड इन आर गिवन एडिक्वेट एंड रिप्रेजेंटेशन। विद दिस इन माइंड some seats are reserved in parliament for SC or ST, or this has been done so that the MP elected from these constituencies will be familiar with and then can represent Dalit and Adivasi interested in parliament. और कुछ जो members होते हैं वो SC और ST जो कास्ट होती है उसके भी कुछ सीट्स होती है उनके लिए भी रिजर्वड होती है ताकि वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेशन कर सके और रिप्रेजेंटेटिव अपना चूज़ कर सके। और ये MPs जो होते हैं वो फैमिलियर रहे और दलित जो है वो आदिवासी जो है उनका भी जो है पार्लियामेंट में इंटरेस्ट जो है वो रहे। सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। इसके अलावा जो है वुमेन्स जो होती है उनके लिए भी सीट रिजर्वेशन होता है, उनका भी पार्टिसिपेशन होता है। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, और ये जो इशू है वो अभी भी इसके ऊपर भी डिबेट चलता है। 60 years ago ओनली 4% ऑफ MPs वर वुमेन, कि 60 साल पुरानी अगर हम बात करें तो सिर्फ 4% MP जो होती थी वो वुमेन होती थी, एंड टुडे इट इज़ जस्ट अबाउट 11%। और अभी तक ये 4% से बढ़कर इतने सालों में सिर्फ कितना हुआ है, 11% हुआ है। दिस इज़ अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन, कि बहुत कम पार्टिसिपेशन जो है, बहुत कम जो है वो लोगों को वुमेन जो है उनको चांस मिला है। इट इज़ इशू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस अबाउट वेदर आर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस एंड आर वर्किंग टूअर्ड आंसर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द फेथ द पीपल ऑफ इन इंडिया हैव इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक तरीके से जो इशू है ये हमारे कंट्री का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन है जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसका रिप्रेजेंट करता है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो, तो उसमें ये क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। थैंक यू।